फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल ज्यादातर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, वो करते हैं SIP रूट के थ्रू। और SIP ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन SIP के अलावा क्या और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको अगर हम यूज करते हैं तो जो ओवरऑल रिटर्न्स आएंगे लॉन्ग टर्म में वो और भी ज्यादा आएंगे। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको 3 ऐसे ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपने इन ऑल 3 ऑप्शंस को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में तो लॉन्ग टर्म में आपके जो ओवरऑल रिटर्न्स आएंगे वो काफी अच्छे आएंगे। अगर आप भी खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट रिटर्न बढ़ाने का नंबर वन ऑप्शन होगा SIP स्टेप अप ऑप्शन। SIP स्टेप अप ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि आप एक सर्टेन पीरियड में अपने SIP अमाउंट को बढ़ाएंगे। तो जनरली अगर आप एवरी ईयर अपने SIP अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे तो उसके कारण लॉन्ग टर्म में जो ओवरऑल रिटर्न्स आएंगे आपके वो काफी ज्यादा आएगा। स्टेप अप SIP को हम एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मंथली SIP अमाउंट 1000 रुपीज 10,000 रुपीज का रखा गया है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लॉन्ग टर्म में 12% का रखा गया है। टाइम पीरियड 20 ईयर्स का है। एनुअल स्टेप अप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और यहाँ फाइनल अमाउंट चेक कर सकते हैं। तो देखिए 10,000 रुपीज का अगर आप मंथली SIP करते हैं 20 ईयर्स के लिए और वहां अगर आपको लॉन्ग टर्म में 12% का पर एनम रिटर्न्स मिलता है एनुअलाइज रिटर्न, तो जो आपका फाइनल अमाउंट होगा 20 इयर्स के बाद वो होगा 99,91,000 के आसपास। और अगर आप सेम 10,000 का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 20 इयर्स का SIP करते हैं लेकिन यहां पे आप स्टेप अप करते हैं 10% का स्टेप अप का मतलब ये हुआ कि एवरी ईयर आपका जो SIP अमाउंट है वो 10% से बढ़ जाएगा। मतलब कि 10,000 का जो SIP आपका फर्स्ट ईयर चलेगा तो नेक्स्ट ईयर आपका SIP अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इसका 10% बढ़ेगा, दैट इज 11,000 नेक्स्ट ईयर। उसके बाद जो भी अमाउंट है उसका 10% एवरी ईयर वो SIP अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो यहां पे अगर आप ये करते हैं तो ये देखिए आपका फाइनल अमाउंट 1,87,00,000 के आसपास आपका फाइनल अमाउंट पड़ेगा। तो देखिए सिर्फ 10% अगर आप एवरी ईयर अमाउंट बढ़ाते हैं SIP का तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है आपका फाइनल अमाउंट में। यहाँ पे देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000 कर देते हैं तो सेम 20 इयर्स के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है 12%, तो यहाँ पे आपको 1,99,00,000 के आसपास मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2 करोड़। लेकिन अगर यहाँ पे 10% का एनुअल स्टेप अप करते हैं तो देखिए 3,74,00,000 रुपीज आपको मिलेगा 20 इयर्स के बाद। तो यस, स्टेप अप करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपको स्टेप अप अगर पॉसिबल है तो जरूर करना चाहिए। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं कि नहीं 10% तो बहुत बड़ा अमाउंट है, मेरे पास नहीं होगा, मैं कैसे करूं। तो यहाँ देखिए मैंने 5% पे भी लिया है, यहाँ भी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। 10,000 का SIP आप पर मंथ कर रहे हैं 20 इयर्स के लिए, तो देखिए यहाँ पे फाइनल अमाउंट आएगा 99,91,000। यहाँ पे सिर्फ 5% का स्टेप अप भी आप करते हैं, एनुअली 5% अपने SIP को बढ़ाते हैं तो फाइनल अमाउंट होगा 1,29,47,000 के आसपास। तो यहाँ भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। चलिए 5% भी आप बोल रहे हैं मेरे को प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट 1%, 2%, 3% जो भी आप कर सकते हैं, इवन 1% का भी जो डिफरेंस है लॉन्ग टर्म में वहां से भी फर्क पड़ जाएगा। तो जो भी आपका कन्वीनियंस हो, जो कि आप मैनेज कर सके, उतना स्टेप अप SIP जरूर करना चाहिए। जब भी आप कोई नया SIP स्टार्ट करने जाएंगे तो वहीं पे आपको SIP स्टेप अप ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप अपना स्टेप अप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पुराने SIP में स्टेप अप जनरली नहीं होता है, लेकिन हाँ कोई नया SIP अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, वहां से आप स्टेप अप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेमी एनुअलाइज्ड कर सकते हैं या फिर एनुअली कर सकते हैं, दैट इज साल में 2 बार भी स्टेप अप अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, साल में 1 बार भी कर सकते हैं। और कुछ और प्लेयर्स और भी ऑप्शंस देते हैं, देखना पड़ेगा कि आप जिसके थ्रू कर रहे हैं वहां पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप किस ऑप्शंस के लिए जाना चाहते हैं। हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ समय ऐसा हो सकता है कि हमें लगे कि नहीं, अब हमारे पास फिलहाल पैसा नहीं कि हम अपने SIP या फिर स्टेप अप SIP को कंटिन्यू करें। तो वहां पे अगर प्रॉब्लम सिर्फ 1-2 महीने का है तो आइडियली हमें उस समय
एसआईपी और या फिर स्टेप अप एसआईपी कैंसिल नहीं करना चाहिए, वहां पे पॉज का ऑप्शन होता है, आप पॉज कर दें और एक दो महीने के बाद जब भी आप कंफर्टेबल सिचुएशन में है तो वहां से फिर से अपना एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी स्टार्ट कर दें। हाँ, अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है कि नहीं अब आगे मैं महीनों तक सालों तक एसआईपी नहीं कर पाऊंगा, इन दैट केस तो ऑफ कोर्स आप एसआईपी या फिर स्टेप अप एसआईपी कैंसिल कर सकते। सेकंड ऑप्शन होगा स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, जब भी हमारा मंथली खर्चे खर्चे होते हैं तो जनरली मंथ एंड में थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है जिसका हम नहीं समझ पाते इसका क्या करें। उसी तरह से हमें कभी बोनस भी मिलता है, कभी कभी इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो वहां पे भी कुछ पैसा बच जाता है। हमारे एक्सपेंसेस होते हैं टोटली अग्री, लेकिन उसके बाद कभी कभी कुछ पैसा बच जाता है। सपोज 1,000, 5,000, 10,000, 50,000, जो भी पैसा आपको एक्स्ट्रा बच रहा है, जो कि आप देखते हैं कि नहीं कुछ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक इस पैसे की शायद मुझे जरूरत नहीं हो, तो उस तरह का पैसा भी आपको जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स चल रहे हैं वहां पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में इवन ये स्मॉल स्मॉल अमाउंट का ये जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे ना, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा उससे। इस स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई नए फंड में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग फंड चल रहे हैं उसी में आप टॉप अप कर दें। देखिए, एक तरीका ये हो सकता है कि अगर मार्केट उस समय काफी गिरा हुआ हो तो उस समय आप मिड कैप या स्मॉल कैप में वो टॉप अप कर दें, अगर मार्केट ऊपर हो तो लार्ज कैप के फंड्स में आप वो टॉप अप कर दें। तो इस तरह से टॉप अप जरूर करें जब भी आपके पास कोई भी अमाउंट हो, इवन 1,000, 2,000, 5,000 भी लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा मैटर करता है। थर्ड ऑप्शन होगा लमसम इन्वेस्टमेंट। तो लमसम इन्वेस्टमेंट मार्केट टाइमिंग के आधार पर ही करें। एसआईपी हम इसलिए करते हैं ताकि मार्केट टाइमिंग के प्रॉब्लम में नहीं जाए, लेकिन हाँ लमसम करते वक्त आपको मार्केट टाइमिंग का ध्यान रखना होगा। जब भी मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो तो उस समय लमसम नहीं करना चाहिए। जब भी मार्केट अंडर वैल्यूड हो या फिर फेयरली वैल्यूड हो तो उस समय हम लमसम करने का प्लान कर सकते हैं। अगेन, अगर मार्केट काफी ज्यादा गिरा हुआ है, हमारे पास कुछ सरप्लस पैसा है, तो उस पैसे को हमें बिल्कुल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट बहुत गिरा हुआ होगा अगर आपने उस समय अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया तो लॉन्ग टर्म में वहां पे आपके जो रिटर्न्स आएंगे वो बहुत ज्यादा आएंगे। मार्केट कितना गिरे तो हम लमसम करें, तो देखिए 1-2% जब मार्केट गिरता है तो उस समय लमसम करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट हाँ लाइक 5-10%, 20% इस तरह के रेंज में अगर गिरता है, एटलीस्ट 5% से ज्यादा गिरे तब लमसम का कुछ फायदा होगा। और ऑफ कोर्स गिरने के बाद भी आपको वैल्यूएशन देखना होगा कि वैल्यूएशन मार्केट का किस तरह का है, बट हाँ जनरली 5%, 10% अगर 20-30% गिरता है तो बहुत अच्छा है, उस समय तो ज्यादातर पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां से लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। देखिए, जब भी मार्केट सपोज 10% के आसपास गिरता है तो आपके जो दूसरे इन्वेस्टमेंट है ना वहां से भी थोड़ा पैसा निकालकर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसका रीजन ये है कि हमेशा ही हमें एसेट एलोकेशन को फॉलो करना होगा। लाइक आपने 70% डिसाइड किया कि इक्विटी में रखूंगा और 30% डेट में रखूंगा, तो जब मार्केट काफी गिर गया तो उस समय नेचुरली आपका इक्विटी एलोकेशन कम हो जाएगा, डेट एलोकेशन बढ़ जाएगा, तो वहां पे आपको डेट से कुछ पैसा निकालकर इक्विटी एलोकेशन को फिर से 70% करना होगा। तो वहां काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में करेंगे जब मार्केट काफी डाउन होगा। यही इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा रिटर्न्स देगा। सो नाउ वीडियो के लास्ट में एक फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस सभी को करना पड़ता है और आपको भी करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखें। तो जब भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो तो ऑफकोर्स आप एक्सपेंसेस करें, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो अपने ओवरऑल एक्सपेंसेस में हमेशा ट्राई करें कि थोड़ा बहुत पैसा आप जरूर बचा लें। वो 1,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, जो भी अमाउंट हो, लेकिन थोड़ा बहुत हमेशा आप ट्राई करें कि थोड़ा बहुत पैसा बचाएं और उस पैसे को जो भी आपका एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रहा है उसमें टॉप अप करें। टॉप अप करेंगे ना खासकर स्मॉल अमाउंट का, लाइक 1,000, 5,000, 10,000, तो उस समय आपको लग सकता है कि अरे ये तो छोटा अमाउंट है, इससे मेरे ओवरऑल कॉर्पस में क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आप ध्यान में रखें लॉन्ग टर्म में इन्हीं छोटे छोटे अमाउंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो आप हमेशा ट्राई करें कि थोड़ा बहुत जो भी एक्सपेंसेस है वहां से पैसा बचाकर आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो भी आपका स्कीम है, एग्जिस्टिंग स्कीम है, वहां पे टॉप अप जरूर करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा कल का, दैट इज सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं।
थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।